चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ओल्डेस्ट वर्जन पढ़ना चाहते हो या लेटेस्ट वर्जन? सर किसका, फोटोशॉप का ओल्डेस्ट वर्जन या फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन? आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा वर्जन पढ़ना है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। और आज के टॉपिक क्या है हमारे, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फोटोशॉप। और फोटोशॉप हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर फोटोशॉप नाम क्यों पड़ा, ठीक है। फोटो प्लस शॉप, शॉप मीन्स हम लोग क्या समझते हैं, दुकान, ठीक है, दुकान जहां सामान मिलते हैं। फोटो मीन्स एक तरह का इमेज या पिक्चर, आप समझ सकते हो, ठीक है, जिसे हम इमेज पिक्चर कहते हैं। शॉप को हम लोग डिफाइन करेंगे, शॉप मीन्स व्हाट। आप कभी गारमेंट शॉप में गए हो, वहां आपको मेन्स वेयर, विमेन्स वेयर, किड्स वेयर, सब कुछ टाइप के कपड़े दिखाए जाते हैं, रखते हैं। उसी तरह फोटोशॉप मीन्स फोटो के विभिन्न विभिन्न प्रकार के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर एंड आइटम्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, किसमें, फोटोशॉप एप्लीकेशन में, किसमें, फोटोशॉप एप्लीकेशन में। कुल मिलाकर एक बात, फोटोशॉप उसे कहते हैं जिसे हमें फैसिलिटी दी जाती है, जिस एप्लीकेशन में हमें फैसिलिटी दी जाती है क्या करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, फोटो को क्रिएट करने के लिए, जिसमें हमें फैसिलिटी दी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोशॉप, ठीक है। आइए डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है फोटोशॉप का, फोटोशॉप इज अ डिजाइनिंग एप्लीकेशन। फोटोशॉप क्या है, डिजाइनिंग एप्लीकेशन है। फोटोशॉप में हम लोग डिजाइन करते हैं, बहुत बहुत टाइप के डिजाइनिंग हम लोग फोटोशॉप में करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विथ प्रोवाइड, जो क्या प्रोवाइड करता है, आप फैसिलिटी, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किसके लिए, टू मेक अ पासपोर्ट साइज फोटो, क्या बनाने के लिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए, मैरिज फोटो, शादी के फोटो बनाने के लिए। हम लोग शादी के फोटो देखते हैं ना, बहुत सारे एडिटिंग डिजाइनिंग उसमें की जाती है, वो बनाने के लिए आई कार्ड बना सकते हैं, मैगजीन बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे आइटम्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, फोटोशॉप एप्लीकेशन की हेल्प से। डेफिनेशन समझ गया कि फोटोशॉप होता क्या है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट एक्सटेंशन नेम इज, जैसे मैंने एमएस वर्ड पढ़ा था, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेल, सभी का एक एक्सटेंशन नेम था, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन सभी का एक निकनेम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, .pds। फोटोशॉप का एक्सटेंशन नेम क्या है, .pds, ठीक है सर। फोटोशॉप क्या होता है वो समझ गए, फोटोशॉप में क्या करते हैं वो समझ गए, फोटोशॉप कैसे चलाना है वो समझ गए, पर क्वेश्चन ये है कि सर फोटोशॉप हम अपने कंप्यूटर में, अपने पीसीज में कैसे ओपन करेंगे। स्टेप टू ओपन फोटोशॉप, ठीक है, क्या स्टेप होंगे, सबसे पहले हम लोग कहां जाते हैं, विंडोज का क्या बनता है, हमारे पीसी में एक विंडोज के लोगो बने हुए होते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, उसे हम लोग कहाँ करेंगे, क्लिक करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, गो टू स्टार्ट बटन, ये क्या होता है हमारा, स्टार्ट बटन। अब स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद देन चूज ऑन ऑल प्रोग्राम ऑप्शन, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, देन हम लोग कहाँ जाएंगे, ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद Now choose Photoshop command. उसके बाद Photoshop PS, Photoshop command में choose करेंगे, ठीक है? Choose करने के बाद क्या होगा? आपके डिस्प्ले में Photoshop open हो जाएगा. As result, Photoshop command application will be open. इससे हम लोग सीखें कि कैसे Photoshop को open करते हैं. Step 1, start button में क्लिक करेंगे. Step 2, all program में क्लिक करेंगे, ठीक है? स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, फोटोशॉप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली स्टेप फोर में फोटोशॉप एप्लीकेशन विल बी ओपन इन योर डेस्कटॉप, समझे। फोटोशॉप क्या होता है वो समझे, फोटोशॉप का एक्सटेंशन नेम क्या होता है वो समझे, फोटोशॉप कैसे ओपन करते हैं अपने डेस्कटॉप में ये समझे। अब कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके माइंड में कि सर फोटोशॉप डाउनलोड कैसे करें। बच्चों इसके लिए YouTube में हजारों लाखों वीडियोस बने हुए हैं कि फोटोशॉप को कैसे डाउनलोड करें। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं इसे भी बताऊं, ये आप लोग आराम से सर्च करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट बात,
मैं आपसे एक रिव्यू लेना चाहता हूँ कि आपको बोर्ड में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है रेदर देन पीपीटी से। जब मैं क्या कहता हूँ, डेस्कटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे आपके पीपीटी से पढ़ाता हूँ, और यहाँ जो व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, आपको क्या पसंद है, पीपीटी से पढ़ना पसंद है या व्हाइट बोर्ड से पढ़ना पसंद है? आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको पीपीटी से पढ़ना है या व्हाइट बोर्ड से पढ़ना। उसी के अकॉर्डिंग जो फोटोशॉप का जो लेक्चर आगे कंटिन्यू किया जाएगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करूंगा। अगर मैक्सिमम मेजोरिटी आएगा पीपीटी से, तो मैं सारा फोटोशॉप पीपीटी पे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मेजोरिटी आता है व्हाइट बोर्ड, सर मुझे ये व्हाइट बोर्ड बहुत पसंद आता है, और पर्सनली मैं बोलूँ तो मैं व्हाइट बोर्ड में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ इस प्लेटफॉर्म में आके पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आपका जो भी कमेंट रहेगा, आप कमेंट करिए, मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे के सेशंस अरेंज करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमें बस यही पढ़ना था कि फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, और कैसे हमें इसे ओपन करना रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस देखेंगे फोटोशॉप का, फिर शॉर्टकट कीज भी हम लोग फोटोशॉप की पढ़ेंगे, क्योंकि शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों सर? जब आप किसी भी काम को फास्ट करना चाहते हो तो आपको शॉर्टकट कीज आने चाहिए। जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव फील्ड में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपके सामने पांच स्टूडेंट रहेंगे, जिसमें से तीन को आपको शॉर्टकट कीज आते हैं, दो को शॉर्टकट कीज नहीं आते हैं। तो क्या क्या करेंगे, मीनू में जाएंगे, फिर सर्च करेंगे, फिर जाके क्लिक करेंगे, और आपको शॉर्टकट कीज आते हैं तो आप की प्रेस किए तो डायरेक्ट उस मीनू में आप एंटर कर सकते हैं। तो आप इन दोनों से फास्ट हो सकते हैं। शॉर्टकट की को क्यों लर्न किया जाता है, ताकि आप बाकी से तेज हो सके, बाकी से फास्ट हो सके। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जॉब उसी को मिलती है जो सबसे फास्ट होते हैं। तो आपको क्या करना है, फास्टर बनना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।